नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के लातेहार से। राज्य में शिक्षा की अलख जगाने के लिए लातेहार शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। पूरे राज्य में लातेहार ही एक ऐसा जिला है जहां पर शनिवार और रविवार को विद्यालय चलाए जाते हैं। कोरोना काल के बावजूद छात्रों के शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। लातेहार के सरकारी स्कूल में चल रही यह कक्षा जिले के बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस की वजह से सारी कक्षाएं नहीं चल रही है, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा के लिए छात्रों को गाइडलाइन का पालन करते हुए पढ़ाया जा रहा है। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव किया जाएगा ताकि विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली जेटेट परीक्षा में एकरूपता लाई जा सके। इसे लेकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद ने झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से पहले से आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की जानकारी 15 फरवरी तक मांगी है। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा दो बार हो सकी है। वर्ष 2010 में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू की गई थी। झारखंड में यह परीक्षा अब तक दो बार हुई है, जबकि हर वर्ष परीक्षा का आयोजन होना चाहिए था। वर्ष 2012 में पहली बार और 2015 में दूसरी बार परीक्षा आयोजित की गई थी। झारखंड के प्लस टू स्कूलों में प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के पदों का होगा सृजन। झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर की अध्यक्षता में प्रांतीय एवं जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी की गूगल मीट के माध्यम से आवश्यक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पिछले दिनों रांची में शिक्षा सचिव राहुल शर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी एवं संयुक्त सचिव सरोजनी कुमारी के साथ संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता के बारे में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। शिक्षा सचिव ने प्राचार्य और उप प्राचार्य के पद सृजन के लिए माध्यमिक निदेशक को आवश्यक निर्देश दिए हैं, साथ ही बाकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निराकरण कराने का आश्वासन भी दिया है। खबर है झारखंड के धनबाद से। देव भाषा की पढ़ाई के लिए सरकार ने 23 संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा की है। धनबाद को मिलेगा 5 शिक्षक। धनबाद जिले को जल्दी संस्कृत के 5 शिक्षक मिलेंगे। इन शिक्षकों की पोस्टिंग हाई स्कूलों में होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में नियुक्ति के लिए 23 अभ्यर्थी की अनुशंसा की है। इनमें 5 शिक्षक धनबाद को मिले हैं। मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से एक कर्मी को निर्देश कार्यालय रांची भेजकर संबंधित शिक्षकों की फाइल मांगी जा रही है, ताकि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सके। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर उपायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। झारखंड में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, सीएम हेमंत ने की घोषणा। बोले, इसका एमएसपी राज्य सरकार करेगी तय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की, साथ ही इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकार द्वारा तय करने की बात कही। सीएम श्री सोरेन राजधानी रांची के भारतीय प्राकृतिक रॉयल एवं गोंद संस्थान नामकुम में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का संकल्प है। इसी को ध्यान में रखकर कई योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इसके जरिए किसानों को अनुदान, ऋण और अन्य जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री पशुधन योजना शुरू करने के साथ किसानों के ऋण को भी माफ कर रही है। किसानों को उनका उचित हक और अधिकार मिले, इसके लिए सरकार सभी संभव कदम उठाएगी। झारखंड में पारा शिक्षकों को अपने बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए और शादी के लिए मिलेगा लोन। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पारा शिक्षकों के लिए फरवरी का माह कई खुशियां ला सकता है। एक तो उनके स्थायीकरण तथा वेतनमान पर इस माह अंतिम मुहर लग सकती है, वहीं उन्हें कई अन्य तोहफे भी मिल सकते हैं। पारा शिक्षकों को उनके बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण देने की तैयारी चल रही है। पारा शिक्षकों के लिए गठित होने वाले कल्याण कोष से यह सुविधा उन्हें मिलेगी। पारा शिक्षक अपने 2 बच्चे के उच्च शिक्षा तथा बेटियों की शादी के लिए यह ऋण ले सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 2 लाख तथा शादी के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। बरकट्टा के बरकन गांगो पत्थर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान हादसा, 2 की मौत।
हजारीबाग में बरकट्टा के बरकन गांगो पंचायत के पत्थर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। ग्रामीणों को घटना स्थल पर जाने से रोक दिया गया है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई है। यह खदान बरकट्टा से 17 किलोमीटर दूर है। इस पंचायत में पत्थर की 6 खदानें हैं, 5 बरकन गांगो और 1 सेमरिया में है। यहां से प्रतिदिन 100 हाइवा पत्थर निकलता है। ब्लास्टिंग से थरा उठता है यहाँ का गाँव। फरवरी से बेंगलुरु के लिए विमान सेवा, धनबाद को भी मिलेगा लाभ। दुर्गापुर के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट से अब दक्षिण भारत का बेंगलुरु शहर भी जुड़ने जा रहा है। पहली बार दुर्गापुर बेंगलुरु के बीच हवाई सेवा 22 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस तरह कोरोना महामारी के बाद अब दुर्गापुर एयरपोर्ट से चौथा शहर जुड़ जाएगा। अब बेंगलुरु जुड़ जाने से दक्षिण बंगाल के पूर्व एवं पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, पुरुलिया, बांकुड़ा जिले के लोगों के साथ साथ धनबाद, बोकारो समेत झारखंड के कुछ क्षेत्रों के लोगों को भी सुविधा होगी। मौसम विज्ञान के आधार पर आज 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है उच्चतम तापमान। 16 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार। रांची में मौसम अब पूरी तरह साफ हो गया है। सुबह की कनकनी से भी रांची वासियों को राहत मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। हालांकि 16 फरवरी से एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के कुछ इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की बारिश होने की भी आसार है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्तमान में एक चक्रवातीय क्षेत्र हरियाणा और आसपास के राज्यों में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बन रहा है। इसका असर अभी झारखंड पर पड़ने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। उत्तराखंड में फंसे जामताड़ा और लातेहार के 17 मजदूर मिले। चमोली में फंसे जामताड़ा के 7 और लातेहार के 10 मजदूर सुरक्षित हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित श्रम विभाग के कंट्रोल रूम के पदाधिकारियों ने दोनों जिलों के मजदूरों से संपर्क किया। लातेहार जिले के 10 मजदूरों ने बताया कि वे लोग वहां से निकलकर हरिद्वार आ गए हैं। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को उन लोगों को लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वहीं जामताड़ा के 7 मजदूरों ने भी बताया है कि लोग किसी पहाड़ पर फंसे हुए हैं। राज्य के अधिकारियों को उत्तराखंड आपदा प्रबंधन ने 7 लोगों से संपर्क होने की जानकारी दी। वहां के ट्रेड यूनियन सीटू से भी राज्य सरकार ने संपर्क किया है। सीटू के पास 13 लोगों के सुरक्षित होने तथा संपर्क में होने की जानकारी है। खबर है झारखंड के बोकारो से। झारखंड के बोकारो के लुगु पहाड़ इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। झारखंड के बोकारो जिले के लुगुपहाड़ की तलहट्टी में बसे टूटी झरना गांव के पास जंगल में बुधवार की रात नक्सलियों की टोह में जुटी पुलिस बलों की नक्सली दस्ते से मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 जवान घायल हो गए। इन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जैसे ही जंगल में पुलिस को नक्सलियों ने देखा, वैसे ही सुरक्षा बलों पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान सीआरपीएफ 26वीं बटालियन के 2 जवान को गोली लगी और जिन्हें रात में ही रांची के एक अस्पताल में ले जाया गया। इधर पुलिस ने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज कर दिया है और नक्सलियों के धर पकड़ के लिए घेराबंदी कर रही है। खबर है झारखंड के कोडरमा से। चलती स्कॉर्पियो में लगी आग, शीशा तोड़कर ड्राइवर को निकाला गया बाहर। चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने गुरुवार को एक चलती स्कॉर्पियो में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी गाड़ी में फैल गई। इस दौरान स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही बेहोश हो गया। दरवाजा लॉक था। ऐसे में लोगों ने फौरन स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ा और ड्राइवर को बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई। वहीं लोगों ने खुद ही पानी और बालू डालकर स्कॉर्पियो में लगी आग को बुझाया। ऋषि गंगा और तपोवन टनल में एक बार फिर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। ऋषि गंगा और तपोवन टनल में एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। पानी भरने की सूचना के बाद लगभग 1.5 घंटे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन बाद में हालात का जायजा लेने के लिए एयरफोर्स की टीम ने आपदाग्रस्त ग्लेशियर और 10 गांव का दौरा किया, जिसके बाद स्थिति को सामान्य पाने पर एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। झारखंड में प्रतिबंध की अनदेखी कर बेचे जा रहे हैं जहरीले पान मसाला। पान मसाला तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह ही है, इस पर असुरक्षित स्तर के पान मसाला सेहत के लिए और भी खतरनाक है। झारखंड में पान मसाला की बिक्री प्रतिबंधित है, बावजूद इसके बड़ी कंपनियों के पान मसाले बिक रहे हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा की टीम ने अवैध तरीके से बेच रहे पान मसालों को जब्त किया है तो पता चला कि कई नमूने खाने योग्य ही नहीं थे। मानक के अनुसार 5 कंपनियों के पान मसाले असुरक्षित थे, यानी यूं कहें कि इसके खाने से स्वास्थ्य पर बेहद ही बुरा असर पड़ता।
कंपनियां या उनके कारोबारी अवैध तरीके से इंसान पर मसालों का सप्लाई कर रहे हैं, सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को जहर परोस रहे हैं। झारखंड के हाईकोर्ट ने रिम्स से मांगी खाली पदों की जानकारी, पूछा पदों को भरने के लिए क्या किया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन, जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में रिम्स की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने रिम्स प्रबंधन से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने रिम्स से पूछा है कि रिम्स में कितने पद रिक्त हैं और उसे भरने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। चेयरमैन शोभा मंडल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची बोकारो स्टील प्लांट का किया निरीक्षण। सेल की पहली महिला चेयरमैन शोभा मंडल गुरुवार को दोपहर दो दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंची। बोकारो हवाई अड्डे सेल के विमान से पहुंची मंडल का बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी अमरेंद्र प्रकाश ने अगुवाई की, गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। इसके बाद हवाई अड्डा पर मंडल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वह बोकारो स्टील प्लांट का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुई। विभिन्न संगठनों के संभावित विरोध के मद्देनजर जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। शुक्रवार यानी 12 फरवरी को सुबह 9:15 पर जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में सेल अध्यक्ष वृक्षारोपण करेगी। इसके बाद 9:35 पर जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेगी। यहाँ से वह बोकारो महिला समिति द्वारा संचालित सुरभि केंद्र का निरीक्षण करेगी। यहाँ के बाद वह पुनः बोकारो निवास आएंगी। प्रस्थान से पूर्व अधिकारियों के साथ एक बार फिर बैठक होगी तथा दोपहर 1 बजे सड़क मार्ग से रांची के लिए रवाना होगी। खबर है झारखंड के चाईबासा से। पुलिस को निशाना बनाने के लिए सड़क के बीच लगा रखा था 40 केजी के दो आईडी बम, किया गया डिफ्यूज। चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ को गोयलकेरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर कामयाबी मिली है। गोयलकेरा चाईबासा मेन रोड के गितिलिपि चौक से 400 मीटर पहले दो पुलिया के बीच पक्की सड़क के नीचे नक्सलियों ने 40 केजी के दो आईईडी बम लगा रखा था। सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे, पर आईईडी जमीन के अंदर इतनी गहराई में दबाकर लगाया गया था उसे निकालना संभव नहीं था। बम निरोधक दस्ते को आईईडी बम को वहीं विस्फोट करवाना पड़ा। बम इतना शक्तिशाली था कि विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनी गई, साथ ही सड़क का मलबा करीब 30 से 40 फीट ऊपर तक उड़ा। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।